हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ ना एक हेयर केयर प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। इस प्रोडक्ट को ना मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही थी और इसके रिजल्ट सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगे, तो मैंने सोचा कि ना इस प्रोडक्ट को मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि अगर आपकी भी सेम हेयर प्रॉब्लम्स होंगी तो आपकी भी ना थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ ना एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। गाइज, हमारे चैनल पर ना 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आप सबको थैंक यू। सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक गिव अवे विनर अनाउंस करूँगी जैसे ही 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 गिव अवे विनर्स अनाउंस करूँगी क्योंकि गाइज मैंने देखा आप में से काफ़ी सारे लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस था। मैं किसी भी तरह से ना आप सबके साथ भी ये हैप्पीनेस शेयर करना चाहती हूँ, तो अब मैं ना 2 गिव अवे विनर्स अनाउंस करूँगी। इस वीडियो को और जो अपकमिंग वीडियो है, दोनों वीडियोज़ को आपको अच्छे से देखना है क्योंकि हो सकता है आप ही गिव अवे विनर हो और आपको ये पता ही ना हो, तो आप दोनों ही वीडियोस को ना अच्छे से देख लें। सो गाइज, अब मूव करते हैं वीडियो की तरफ। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ये कापिवा हेयर रिचुअल्स का स्कैल्प केयर अनियन ब्राह्मी हेयर ऑयल। गाइज, ये हेयर ऑयल सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ अपने बालों को लेकर, वो सारी प्रॉब्लम्स बता देती हूँ। मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिक नहीं थे कभी, बट जितने पतले अभी हो गए उतने भी कभी पतले नहीं थे। मेरी और मेरी सिस्टर के सेम बाल थे, मतलब लेंथ में भी और विड्थ में भी। बट अभी जब मैं घर गई थी ना तो उसके सामने मेरे बाल बहुत पतले लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा पतले लग रहे थे। उसके बालों की केयर करने के लिए तो मम्मी है वहाँ पर, मैं अकेले रहती हूँ। मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, मैं खाना खुद बनाती हूँ, वीडियोस का भी काम करती हूँ, अपनी मास्टर्स भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स भी है नेक्स्ट मंथ, वो भी मैं प्रिपेयर करती हूँ। तो सब कुछ मैं बेसिकली अपने आप से कर रही हूँ अभी, और इसकी वजह से मैं अपने बालों का ना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। उसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो गए हैं और ख़राब हो गए हैं लिटरली। तो गाइज़, मैंने फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखना ट्राई किया, फाइनली ना मैंने ये प्रोडक्ट लिया और इसने मेरे बालों पर सच में बहुत अच्छे से वर्क किया है। मेरा हेयर फॉल 90% तक ना रिड्यूस कर दिया है। गाइज़, आपको पता है कि प्याज आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। घर में मेरी मम्मी क्या करती है, प्याज को काट कर अच्छे से ग्राइंड करके उसका जूस निकाल कर नॉर्मल हेयर ऑयल में मिक्स करके अच्छे से हम दोनों को लगा देती थी, मेरे को और मेरी सिस्टर को। और सच में तब तक हमारे बाल बहुत अच्छे से मेनटेन थे, बट जब से मैं बाहर पढ़ने आ गई हूँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए क्योंकि लगा ही नहीं पाती ना मैं ऑयल लगा पाती हूँ। इस तरह से मैं नॉर्मल एक ऑयल लगा लेती हूँ, बस वही है जो भी है अभी फ़िलहाल। मैं इतने सारे स्टेप्स नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये रेड अनियन हेयर ऑयल ही ले लिया है। और गाइस, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है रेड अनियन का, और इससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी और गाइस आपको हेयर फॉल भी बहुत कम होगा। इस हेयर ऑयल का ना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है ब्राह्मी। गाइस, आपने ये ब्राह्मी वर्ड ज़रूर सुना होगा। ये बहुत अच्छा एक हर्ब है जो आपके बालों को ना मेंटेन करके रखता है। बहुत सारे लोगों को ना ऐसे मतलब स्पॉट्स हो जाते हैं जहाँ पर आपको बाल ही नहीं आते हैं सर पर, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हो जाते हैं, मतलब उस एरिया से पूरे के पूरे बाल उड़ जाते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप इस हेयर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फिर आपके छोटे छोटे बेबी हेयर्स आने लग जाएंगे। और गाइज, मतलब मेरे बाल भी ना दोनों साइड से बहुत ज़्यादा थिन हो गए थे क्योंकि मैं कॉलेज जाती थी तो पोनी टेल बना के जाती थी, तब मुझे पता ही नहीं था कि मतलब इसका असर इतना ज़्यादा बुरा होगा। अब तो मुझे पता चल गया तो मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बांधती हूँ, बट गाइज उसकी वजह से जो पोनी मैं बना के जाती थी ना उसकी वजह से मेरे बाल दोनों ही साइड से मतलब बहुत ज़्यादा थिन हो गए, आप देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम भी ना इस हेयर ऑयल से काफ़ी हद तक कम होती जा रही है। मेरे बहुत छोटे छोटे बेबी हेयर्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और गाइस, सच में आपको भी अगर ये सेम प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। सच में ये हेयर ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आप इसको डेफिनेटली अपने हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे ऑयल्स भी दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 ही इन्ग्रीडियंट्स है, इसमें काफ़ी सारे इन्ग्रीडियंट है जैसे सोया ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, आमंड ऑयल, फेनुग्रीक सीड ऑयल और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं आपकी बालों के लिए। ये हेयर ऑयल ना नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना, इट्स ऑल नेचुरल, पैराबिन सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है और गाइज इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को आपको यूज़ कैसे करना है, इस हेयर ऑयल को कैसे यूज़ करना है। जैसे आप नॉर्मल हेयर ऑयल को यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इसको यूज़ करना है। मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है उससे 3-4 घंटे पहले मैं इस हेयर ऑयल को अच्छे से अपने स्कैल्प पर लगा लेती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ, लेंथ पर भी लगा लेती हूँ और लगाने के बाद 3-4 घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अच्छे से हेयर वॉश कर लेती हूँ। और गाइज सच में ये ऑयल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ऑयल है और सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई फ्रेगरेंस नहीं है, एकदम नॉर्मल फ्रेगरेंस है और सच में ये काफ़ी ज़्यादा सही प्रोडक्ट है आपके बालों के लिए। इससे कंटिन्यू अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी जो हेयर्स है ना उनमें आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आएगी। सो गाइज कापिवा ना मेरे लिए न्यू ब्रांड है बट इनका ये जो प्रोडक्ट है ना ये हेयर ऑयल सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छे से वर्क करता है। और गाइज मैं भी आपको ना इस प्रोडक्ट को हाईली रिकमेंड करूँगी। आप ना इस प्रोडक्ट को अलग अलग वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजोन पर भी ये अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पर। गाइज मैं ना डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दे दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से इसको ज़रूर परचेज कर सकते हैं। गाइज ये 200 ml प्रोडक्ट है और इसकी जो MRP है ना वो 599 है बट मैंने ना अमेज़ॉन पे देखा था कि ये अराउंड 350 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो आप अलग अलग वेबसाइट से ना प्राइस कंपेयर करके इसको ले सकते हैं। सो गाइज फर्स्ट गिव अवे विनर है मानसी साहू। कंग्रेचुलेशंस डियर, थैंक यू सो मच इतने अच्छे सपोर्ट के लिए। और गाइज आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका नाम अभी नहीं आया, हो सकता है जो अपकमिंग वीडियो है उसमें आपका नाम आ जाए। या फिर गाइज मैं ना वैसे भी हर चीज़ नोट करती हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो ये चीज़ ज़रूर मुझे दिखाई देती है। मैं कैसे ना कैसे करके फ्यूचर में आपको डेफिनेटली कंसीडर करूँ क्योंकि इस पूरे साल ना बहुत सारे गिव अवेज आने वाले हैं। हो सकता है कि आपको जो नेक्स्ट मंथ गिव अवे है उसमें आपको प्राइस मिल जाए। तो गाइज प्लीज़ ना आप मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मैं भी आपको कैसे ना कैसे करके खुश करूँगी, ये चीज़ मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी। मानसी ये है आपके प्राइजेस जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ही प्रोडक्ट्स मैं आपको सेंड करूँगी। आपको ना आगे के प्रोसेस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है priyanka chaudhary 993। ये तीनों प्रोडक्ट्स ना मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं और सच में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मानसी मैं ना आपको प्रोडक्ट्स भी बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं आपको सेंड करने वाली हूँ। अर्थ रिदम का लिप चीक टिंट, स्विस ब्यूटी का 9 कलर आई शेडो पैलेट, डॉट इन की का लिप प्लम्पिंग मास्क। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा। मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।